उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी का मिशन रोजगार शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने का निर्देश दिया है। इसके तहत दिसंबर तक 1,00,000 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की जा रही है। तो थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। इस साल दिसंबर तक प्रदेश में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दे दिया गया है। जिन विभागों में कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, उसे दोबारा शुरू करके चयनित युवाओं का नियुक्ति देने का निर्देश भी दे दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आबकारी आदि विभागों में भर्तियां की जाएंगी। साथ ही आपका ये भी जानना अहम है कि योगी सरकार पिछले 4 सालों में अलग अलग विभागों में लगभग 4,00,000 सरकारी नौकरियां दे चुकी है। योगी सरकार का लक्ष्य साल के अंत तक अपने कार्यकाल में 5,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का है, जिसमें अब तक लगभग 1,00,000 से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली है। साथ ही 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती भी की गई है। योगी सरकार के मिशन रोजगार के तहत मनरेगा के जरिए 1.5 करोड़ मजदूरों को रोजगार दिया गया है। स्टार्टअप इकाई के अब तक 5,00,000 तथा औद्योगिक इकाई से 3,00,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। 50,00,000 से अधिक MSME इकाइयों से 1,80,00,000 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति से अब तक 5,00,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। Amazon, Flipkart, AKTU, BAC जैसी कंपनियों के उत्पादों की मार्केटिंग में 65,000 से ज़्यादा व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है। इसके अलावा 40,00,000 से अधिक श्रमिकों को स्किल मैपिंग के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ा गया है। साथ ही नोएडा में स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की गई है, यहाँ 50,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अगर Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा।